बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बात करें तो संजय लीला भंसाली सलमान खान और आलिया भट्ट के साथ इंशाल्लाह बनाने वाले थे, लेकिन जब से इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बंद हुआ है तब से ऑडियंस को ये जानने में बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि संजय लीला भंसाली क्या बनाने वाले हैं। वेल, रिसेंटली ये भी कन्फर्म हुआ था कि संजय लीला भंसाली गंगूबाई बनाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को फाइनल कर लिया है। अब आलिया भट्ट का संजय लीला भंसाली के साथ काम करना तो पक्का हो गया, लेकिन ऐसी खबरें भी आई थी कि गंगूबाई के लिए एक एक्टर की तलाश है, जिसके लिए रणबीर कपूर का नाम सामने आया, जिसके बाद रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि संजय लीला भंसाली इस फिल्म के लिए किसको लेते हैं। तभी मीडिया की आंखें और सब फैंस की आंखें संजय लीला भंसाली पर हैं, तो रिसेंटली संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर कार्तिक आर्यन को भी स्पॉट किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उस कैमियो रोल के लिए जो गंगूबाई में रणबीर कपूर करने वाले थे, उसके लिए कार्तिक आर्यन को अप्रोच किया गया हो। अब देखना ये होगा कि किसको फाइनल करते हैं संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई में। वहीं गंगूबाई की बात करें तो गंगूबाई फिल्म भी पहले प्रियंका चोपड़ा करने वाली थी, जिसके बाद इसके लिए आलिया भट्ट को लिया गया। अब आलिया भट्ट इस फिल्म में गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। ये फिल्म बेस्ड होने वाली है एस हुसैन जैदी की बुक क्वींस ऑफ मुंबई माफिया के ऊपर। वहीं अब देखना यह भी होगा कि इस फिल्म में और स्टार कास्ट कौन सी होती है आलिया भट्ट के साथ।